हाय दोस्तों, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि BSNL ने जो है सबसे सस्ते प्लान्स अपने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आज हम BSNL के रिचार्जेस को कंपेयर करेंगे बाकी सभी अदर नेटवर्क से लाइक एयरटेल, जियो और आइडिया वगैरह से, और देखते हैं कि कितना जो है वो अच्छा आज के टाइम में BSNL आपके लिए साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट और चलते हैं हम BSNL की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक होम पेज दिखेगा। मैं आपको बता दूं कि जो BSNL के प्लान्स रहते हैं वो स्टेट वाइज रहते हैं या सर्किल वाइज रहते हैं। तो आप जिस भी सर्किल से बिलोंग करते हैं आपको अपना पहले सर्किल चूज कर लेना है। मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं उत्तराखंड सर्किल जो है अपना चूज कर रहा हूँ, उसके बेस पे यहाँ पे सारे जो वाउचर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पॉपुलर वाउचर्स। तो अगर मैं शुरुआत करूँ पहले वाउचर की, तो यहाँ पे 118 रुपये का है जो कि वॉइस वाउचर है, जिसमें आपको 28 दिन के लिए 250 मिनट मिलने वाले हैं। ये मतलब ठीक ठाक सा है। इसमें 0.5 यानी कि सिर्फ 500 MB डेटा पर डे मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे और साथ में आप रिंगटोन वगैरह भी आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 250 मिनट मिलेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जो कि वॉइस वाउचर है, वो 135 रुपये का है 24 दिन के लिए, जिसमें आपको 300 मिनट मिलने वाले हैं लोकल और STD। तो ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 187 की, तो ये वाउचर जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। इसमें आपको 250 मिनट पर डे मिलेंगे और आपको 3 GB डेटा पर डे, मतलब आप देख सकते हैं 3 GB डेटा पर डे, 250 मिनट आपको पर डे मिलेंगे और 100 SMS पर डे मिलेंगे। बाकी आपकी जैसे अपना रिंगटोन वगैरह है वो भी सारी जो है फ्री रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी वैलिडिटी की, तो ये रहेगा आपके 28 दिन के लिए। तो अगर हम इसी वाउचर को कंपेयर करें बाकी नेटवर्क के साथ, जिसमें आपको 2 GB या 1.5 GB या 3 GB डेटा मिलेगा, तो मैं चलता हूँ आपको लेकर के एयरटेल पे। एयरटेल पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 GB डेटा को ही ले लेते हैं। अगर हम 3 GB डेटा को लेकर चले जैसा कि BSNL में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये मिलता है आपको 400 रुपये का, जबकि BSNL दे रहा है आपको 187 रुपये का। वैलिडिटी है 28 दिन, इसकी वैलिडिटी भी है 28 दिन, बाकी अनलिमिटेड कॉल है इसमें सभी पर। यहाँ पे भी आपको 250 मिनट मिलते हैं सभी पर कॉल करने के लिए। तो इतना महंगा है 3 GB। अगर 2 GB की बात करें तो 298, 1.5 GB की बात करें तो यहाँ पर 249 का मिलता है, जो कि इसकी वैलिडिटी 28 दिन मिलती है। और अगर हम 1 GB की बात करें तब भी 219 रुपये का आता है, जो कि इस वाले 3 GB वाले वाउचर से भी महंगा यहाँ पे दिखता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 GB डेटा मिलेगा, 28 दिन की उसकी वैलिडिटी मिलेगी, कॉलिंग सब पे फ्री रहेगी। तो कॉलिंग की अगर बात करें तो BSNL में भी कॉलिंग फ्री है, और 250 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज यूजर के लिए 250 मिनट बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपके लगभग 4 घंटा कुछ मिनट आपको लगातार अगर बात करेंगे तब जा करके 250 मिनट खत्म होने वाले हैं। उसी के साथ साथ जियो के रिचार्जेस आपको पहले ही पता है, यहाँ पर 2 GB का अगर आप पैक लेंगे जो 28 दिन का है तो वो 249 का है। तो इससे भी अगर आप कंपेयर करें जियो को तब भी बहुत सस्ता है। उसके बाद अगर आप आइडिया की तरफ चलें तब भी आप देख सकते हैं, जो कि 28 दिन का अगर हम वाउचर ढूंढें इसका 2 GB वाला, तो 149 का है ना। इसमें आपको 300 SMS मिलेंगे, सिर्फ 2 GB डाटा मिलेगा पूरे एक महीने के लिए, 28 दिन के लिए। उसी के बाद अगर 1.5 GB पर डे की बात करें तो यहाँ पर 249 का है, और 1 GB पर डे की बात करें तो 219 रुपये का है। तो एयरटेल और जो है अपना आइडिया, ये दोनों के दोनों सेम है। जियो थोड़ा सा डाउन है इन दोनों से, लेकिन इन तीनों से जो है वो अपना BSNL सबसे बेस्ट है। तो आज के टाइम में जब हम हमेशा कहते थे कि भाई BSNL सबसे महंगा है सरकारी होने की वजह से, तो आज कहीं ना कहीं BSNL जो है वो यहाँ पर अपना पॉपुलरिटी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग इसमें पोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने सर्किल वाइज अगर आपको ये सस्ता मिल रहा है, तो आज के टाइम में BSNL से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। इसी के साथ साथ और भी बड़े बड़े रिचार्जेस हैं। अगर आप जाना चाहेंगे 84 डेज के लिए, तो आपको 448 में मिलेगा 2 GB पर डे, लेकिन इसमें जो ऑफर चल रहा है वो 1 नवंबर 2019 से, मेरे उत्तराखंड की बात करूँ तो ये रिचार्ज जो मुझे, अगर मान लीजिए मैं ये कराना चाहता हूँ 2 GB पर डे वाला, जिसमें मुझे 250 मिनट मिलेंगे पर डे और 2 GB पर डे डेटा मिलेगा, तो ये मुझे 1 तारीख से लेकर के, मतलब 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक का ही अभी ये ऑफर चल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है उसके बाद ना चेंज हो, तो जो भी होगा वो यहाँ पे बदल जाएगा। उसी के साथ अगर आप 74 डेज का लेते हैं, 399 का है, जिसमें आपको 1 GB पर डे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, कोई भी इसमें मिनट्स का सिस्टम नहीं है। तो अब अगर हम एवरेज निकाल करके देखें बाकी तीन नेटवर्क से, अगर मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया है, जिसमें आपका आइडिया है, जियो भी है
और आपका अपना एयरटेल है, तो इन सब के मुकाबले अपना BSNL जो है वो ज़्यादा बेस्ट है आज के टाइम में। मैंने उत्तराखंड का अपना सर्किल आपको दिखाया है, बाकी आपके सर्किल में क्या रिचार्जेस चल रहे हैं वो आप अपने सर्किल के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि आपको मैंने बताया था, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग जो है अब अपने वापस टू अपने बैक टू पवेलियन आ जाएँ और BSNL को ज्वाइन करें, अपनी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएँ। तो बस मिलेंगे नए अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।